हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलो आज एक नए वर्ड के साथ शुरुआत करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। मेरे पास एक वर्ड है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ HIRE, हायर। आपने सुना होगा ये वर्ड हायर क्या होता है। देखो जैसे कि हम कुछ कई लोग ये बोलते हैं, और ये कहानी आपने कहावत सुनी भी होगी, हिंदी में एक कहावत है कि कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात एक ही है। लेकिन दोस्तों इंग्लिश में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि लेटर्स बदल जाने के बाद, लेटर्स की पोजिशन बदल जाने के बाद उसका मीनिंग चेंज रहता है। कैसे होता है चेंज, देखो देखेंगे यहाँ पे। हायर, फर्स्ट वर्ड मैंने कह लिया हायर। हायर का मीनिंग आपको पता है, हायर का मतलब होता है किसी को भी रेंट पे लेना, किसी को रेंट पे लेना, रेंट पे लेना। जैसे कि कोई कंपनी होती है, कंपनी क्या करती है, किसी पर्सन को हायर करती है। तो वो किस लिए हायर करती है, उधर पैकेज देती है कोई और हायर कर लेती है। जब तो हम कई बार कहते हैं कि कंपनी में हेयरिंग चल रही है, तो वो भी कहाँ से लिया गया है, यहीं से लिया गया हेयरिंग। क्लियर है? तो हायर करना मतलब किसी भी को भी रेंट पे लेना करते हैं। अब दूसरा सेकंड वर्ड से मिलता जुलता वर्ड है। अब मैं क्या करता हूं, इस ई को यहां रख देता हूं, ये बना हियर। तो डिफरेंस है इसकी प्रोनाउंसिएशन और इसकी प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है, बट बहुत माइनर। हायर हियर, क्लियर है? लेकिन इसका अगर हम इसकी बात करें हियर की, तो इसका मीनिंग होता है उत्तराधिकारी। क्या मीनिंग होता है इसका? उत्तराधिकारी मतलब कह सकते हैं कि बारिश। क्या मतलब हो सकता है? बारिश। कहते हैं ना कि मेरे जाने के बाद मेरे सारी जायदाद का मालिक ये होगा, तो वो क्या होता है? बारिश, यानी कि हियर। क्लियर है? और आपको एक वर्ड का पता होगा, हम ज्यादातर सुनते हैं क्या, हियर। ये भी आपको पता होगा, ये क्या है? ये एक एडवर्ब है। क्या है? एक एडवर्ब है। और आपको पता है एडवर्ब, इस एडवर्ब की मीनिंग क्या है? यहां। या क्या मीनिंग होती है इसकी? यहां। क्लियर है? अगर हम ये ऐसे लिख दें, ये भी एक वर्ड बन गया HIER, तो ये भी एक अपने आप में वर्ड है। इसका मीनिंग क्या है, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, हियर। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग भी क्या होता है, यहां से होता है। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि हमारे इंडिया में कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है, इंग्लिश कौन सी यूज की जाती है हमारे इंडिया में? इंग्लिश यूज की जाती है। ब्रिटिश कौन सी यूज करते हैं? ब्रिटिश, क्योंकि हम ब्रिटिश ने यहाँ पे राज किया है, और तभी से ही यहाँ पे क्या की जाती है, ब्रिटिश इंग्लिश यूज की जाती है। और ब्रिटिश इंग्लिश, और यहाँ पे अगर हम हियर की बात करें, नीचे वाला वर्ड, ये वाला जो वर्ड है इसकी बात करें, तो ये एक जर्मन वर्ड है। क्या है? एक जर्मन वर्ड है। तो हम कह सकते हैं क्या है, जर्मन की लैंग्वेज है, यानी कि जर्मन इंग्लिश है। ये क्या है? जर्मन इंग्लिश। तो इसलिए यहाँ पे ये यूज नहीं होता है। और अगर हम एक वर्ड की बात करें, तो एक वर्ड हो जाएगा आपका हेयर। ये भी देखो मिलता जुलता वर्ड है। क्या है? हेयर। क्या है? हेयर। इसका मीनिंग आपको सबको पता है क्या होता है? बाल। हम अधिकतर स्पेलिंग में गलती करते हैं, हमारे थोड़ा भी लेटर्स का इधर उधर हो जाने पर मीनिंग सारा चेंज हो जाएगा। आपको पता है इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में हमारा फोकस क्या करना होता है, हमें, हम किसी भी वर्ड को अगर लिख रहे हैं, तो उस वर्ड के लेटर पर फोकस करना होता है हमें, लेटर पर, कि उस लेटर्स का अरेंजमेंट क्या है, लेटर्स ऑफ अरेंजमेंट कैसा है। अगर लेटर्स ऑफ अरेंजमेंट थोड़ा भी इधर उधर हुआ, तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी, या फिर वो गलत हो जाएगी, या फिर वो रोने वर्ड सुना होगा HAIR, क्या होता है? हेयर। लेकिन इस हेयर का मीनिंग क्या होता है, इस हेयर का मीनिंग होता है रैबिट। क्या मीनिंग होता है इसका? रैबिट। और रैबिट को आप सब जानते हो, इसका मीनिंग क्या होता है? खरगोश। क्या मीनिंग होता है? खरगोश। जैसा दोस्तों मैंने आपको बताया, कुछ वर्ड है मिलते जुलते हैं, प्रोनाउंसिएशन लगभग लगभग सेम है, बट सबके मीनिंग अलग है, सबका यूज अलग है। जैसे मैंने हायर पढ़ा, किसी को रेंट पर लेते हैं तो कहते हैं कि हमने हायर किया उस बंदे को। और जब हम हियर की बात करते हैं, तो उत्तराधिकारी होता है, बारिश होता है कोई भी, किसी भी जायदाद का बारिश, उसे क्या बोलते हैं? हियर। और अगर हम हेयर की बात करें, तो वो होती है एक एडवर्ब, जहाँ हम यहाँ और वहाँ की बात करते हैं। क्लियर है? और हेयर की बात करें, तो यहाँ, ये हमारा एक जर्मन वर्ड है और जर्मन लैंग्वेज में यूज होता है। और हेयर नॉर्मली हम बालों को बोलते हैं, जो हमारे बाल होते हैं, वो उसकी स्पेलिंग होती है HAIR।
हेयर, तो इनकी स्पेलिंग में जो है आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सबकी स्पेलिंग अलग है, किसी में ई आगे है किसी में आई आगे है, किसी में आई आगे है किसी में ई आगे है, डिफरेंस सिर्फ स्पेलिंग का है। अगर आप हायर, हियर और हियर को देखें तो तीनों की स्पेलिंग लगभग लगभग सेम है, इसमें भी एच है, इसमें भी आई है, इसमें भी आर है, इसमें भी ई है, चार वर्ड है, चारों में सेम सेम वर्ड है, बट डिफरेंस है उनकी अरेंजमेंट का कि वो कहाँ पे उनकी सेटिंग अरेंजमेंट क्या है, यानी कि किस वर्ड, किस लेटर को हमने कहाँ रखा है, किस लेटर को कहाँ रखा है। क्लियर है? आपने एक वर्ड और बहुत सुना होगा, एक होता है कोमा और एक होता है कोमा। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा ये कोमा जो होता है, एक कोमा होता है ये, मैं आपसे नॉर्मली पूछूं तो मैंने ये लगाया कोमा, तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि जब हम कोई भी सेंटेंस बोल रहे होते हैं या फिर हम कोई भी सेंटेंस लिख रहे होते हैं तो उसमें हमें हल्का अपनी बॉडी को विराम देना होता है, मतलब हमारी जो कम्युनिकेशन, हम जो बोल रहे हैं उसमें हल्का विराम देना, मतलब रुक जाते हैं जब, तो उसके लिए हम कोमा यूज करते हैं ताकि हमारी जो कम्युनिकेशन है वो सही तरीके से दूसरे बंदे तक पहुँच जाए। अगर हम जल्दी जल्दी किसी भी बातों को बोलेंगे तो लगता है कि आपको कोई सामने वाले पर इम्प्रेशन नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं कोमा लगाते हैं कि अपनी बातों को विराम देने के लिए हल्का रुकते हैं, तो उस वहाँ पे क्या होता है कोमा। अब इस कोमा की स्पेलिंग होती है सी ओ डबल एम ए कोमा, यानी कि अल्प विराम, थोड़ी देर के लिए, अल्प मतलब थोड़ी देर के लिए, विराम मतलब ठहराव, थोड़ी देर के लिए ठहराव। और इसका क्या होता है, ये चिन्ह होता है, ये चिन्ह कैसा होता है, ये चिन्ह होता है ब्रैकेट में जो मैंने आपको लिखा, ये क्या हो गया हमारा अल्प विराम, थोड़ी समय के लिए ठहराव। तो इसकी मीनिंग स्पेलिंग क्या होती है सी ओ डबल एम ए कोमा। और अगर हम सी ओ एम ए की बात करें तो ये आपको पता है जब बंदा फिजिकल एक्टिविटी और मेंटली एक्टिविटी कुछ भी नहीं कर पाता है, मतलब वो बेड पे होता है, जब वो बेहोशी की हालत में होता है, किसकी हालत में होता है, बेहोशी की हालत में होता है, उसे अपना होश नहीं होता है, बेहोशी की हालत, तो ये क्या होती है हमारी कोमा वाली स्थिति सी ओ एम ए, ये मेडिकल लाइन में यूज किया जाता है। कहते हैं कि जब कोई बंदा बोल नहीं पाता है, कुछ खा नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, बेड पे एक जगह स्टेबल रहता है, अपने पराई की पहचान भूल जाता है, तो वो होता है सी ओ एम ए कोमा, वो क्या होता है सी ओ एम ए कोमा, तो ये बेहोशी की हालत होती है। क्लियर है? मेडिकल में ये वर्ड यूज किया जाता है। आई होप आपको वर्डिंग समझ में आई होगी, तो इस तरह के बट सीखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए।